हमेशा मैं बताता हूँ, आज सारी चीजें बता देता हूँ। देखो, जूस पीना है ये एलोवेरा का, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की सब्जी, लड्डू, सब कुछ मैंने बताया, एलोवेरा का जूस ये सबको पीना चाहिए। और इसको जूस जो है ये 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरा, इसमें झाग से आते हैं एक बार थोड़े, लेकिन ये पहले चिपचिपा होता है ये एलोवेरा, एलोवेरा का गुद्दा निकाला और उसको, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है तो चिपचिपा पर इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा, सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर नींबू डालते हैं तब उसका ख़त्म हो जाता है, और 2 मिनट ऐसे घुमा दो तो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो एलोवेरा पहले तो वो पल्प था, अब वो जो पल्प था वो ऐसे ये पूरा जूस बन जाता है। देखो ऐसे, ये आप देख रहे हैं पूरा एकदम, कांच का ग्लास होता तो और अच्छा दिखता, लेकिन हमारे बच्चे हैं जो भी लिया है ठीक। स्वामी जी ये सिर्फ, तो ये सिर्फ ये जूस, अब एक को नहीं पीना इतना, ये पूरे खानदान के लिए हो गया है। अच्छा, सिर्फ एलोवेरा ही है ये हाँ सिर्फ एलोवेरा है। अब दूसरा जो है, एक आपको उपाय बता रहे हैं वो, अब ये जो सहजना है ये मैंने बताया था, ये पीड़ांता क्वाथ जो है इसका काढ़ा बना करके पी लें, पीड़ांता क्वाथ, और इसमें जिसको जो मिल जाए, निर्गुंडी मिल जाए तो निर्गुंडी, पीड़ांता क्वाथ, ये निर्गुंडी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, निर्गुंडी के पत्ते, पीड़ांता के पारिजात के पत्ते, फूल, पारिजात के फूल या पत्ते दोनों ले लें, और ये जो है ये निर्गुंडी के पत्ते और ये जो है सहजना के पत्ते, इन सबको, और नहीं तो ऐसे एक पीड़ांता क्वाथ ले लें और इसका उबाल करके पानी पी लें, और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है तो ये हड़जोड़ जो है हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता थी, हमने सबको बता दी, इसको लाक्षादी गूगल भी बनाते हैं, हड्डियां कितनी कमजोर हो। अच्छा स्वामी जी, ये जो औषधि आप बता रहे हैं ये खाली पेट लेने वाली है सारी? फायदा करती है। हाँ जला दो तो देखो। हाँ, ये खाली पेट काढ़ा पिएंगे। अब आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, जिनको लहसुन अनुकूल नहीं पड़ता तो 1 चम्मच ऐसे घी ले लिया और इसके अंदर ये जो लहसुन है इसको काट लिया ऐसे, कहां गया चाकू, तो चाकू से काट करके और थोड़ा सा चीरा मार करके इसको, और फिर इसके अंदर डाल दें ऐसे, और इसमें फिर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, इस प्रकार से ये जो है इसको परिवार में 2-4 लोगों को है तो इसमें थोड़ा सेंधा नमक, और ये त्रिकुटा है आश्रम का मिलता है त्रिकुटा, थोड़ा सा त्रिकुटा डाल दिया, चुटकी भर त्रिकुटा और थोड़ा सा ये सेंधा नमक, बस ये इतना सा, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और फिर इसको ऐसे भून लिया, और ये आधा भुनने पर, पूरा नहीं भुनना, आधा भुनने पर फिर इसको रोटी के साथ खा लिया। देखने में तो स्वामी जी बहुत शानदार लग रहा है, स्वाद में भी मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत शानदार होगा। बस छोटा सा संदेश यही है, सुबह योगाभ्यास करें और ये जो घरेलू चीजें बताते हैं इनका जूस पिए, ये मैंने एलोवेरा का जूस बताया था, मैं इसको पी लेता हूँ, और इसको पी लिया करें, ज्यादा ही बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े तो गोखरू का भी काढ़ा पी लें, और ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट है वो पीड़ांतक तेल लगा लें, तो दौड़ते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, चलने का नाम ही जिंदगी है। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, का जूस पियो, मस्त रहो, योग करो।